मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक स्नेल दिखाया जाता है जिसका नाम टर्बो था, जिसे कार रेसिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। वो पागल था उसके लिए, वो कार रेसर बनना चाहता था। वो एक कार रेसर का बहुत बड़ा फैन था जिसका नाम था गिगानिए, और उसे टर्बो को मोटिवेशन मिलती थी। टर्बो अपना ज़्यादातर टाइम गैराज में बिताता था क्योंकि वहाँ टीवी थी, और वो दिन भर गिगानिए का रेस देखता था। वहाँ वो अकेला ही रेस करता था। ये चीज टर्बो के भाई को अच्छी नहीं लगती थी। वो चाहता था टर्बो ऐसे सपने छोड़ दे जो कभी हो नहीं सकता था। अब हमें उन स्नेल की डेली लाइफ रूटीन दिखाई जाती है, जहाँ सारे स्नेल सुबह उठते हैं और वो सब एक टमाटर के गार्डन में रहते थे। वहाँ कभी कभी कौवे आते थे और स्नेल को ले जाते थे। अब सारे स्नेल का काम था टमाटर जमा करना, अच्छे टमाटर छांटना और खाना। वो सारे अपने काम पर लग जाते हैं, पर टर्बो को इतना रेसिंग का कीड़ा होता है कि वो टमाटर के साथ ही रेस करने लगता है। ये देख के सारे स्नेल उस पे हंसने लगते हैं। स्नेल का लीडर टर्बो के भाई को बोलता है, अपने भाई का कुछ करो वरना हमें करना होगा। अब सारे स्नेल टमाटर खाते हैं। यहाँ टर्बो का भाई टर्बो को समझाता है कि ये रेस का भूत सर से उतार दो, नॉर्मल लाइफ जियो मेरे भाई। पर टर्बो तो टर्बो था, वो एक कान से सुनता था और दूसरे कान से निकाल देता था। तभी वहाँ एक बच्चा अपनी गाड़ी के साथ आता है, जिसे देख सारे स्नेल डरते हैं और अपने कवच में छुप जाते हैं। पर टर्बो को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बच्चा वहाँ से चला जाता है। अब टर्बो सबको ये बोल के निकल जाता है कि उसे नींद आ रही है, और गैराज में वो ड्रिंक के साथ गिगानिए का इंटरव्यू देखता है जिससे उसे मोटिवेशन मिलती थी। तभी ड्रिंक गिर जाती है और टीवी के तार तक चली जाती है, जिससे टीवी बंद हो जाता है और टर्बो के कारण वो टीवी टेबल से नीचे गिर जाती है। अब सुबह हो जाती है, कौवा फिर एक स्नेल को ले जाता है। यहाँ टर्बो दुखी था टीवी को लेकर, पर टर्बो का भाई खुश था क्योंकि टीवी खराब हो गई थी, अब उसका भाई हकीकत में जिएगा ये सोच के। तभी वहाँ एक टमाटर पक के गिर जाती है और गार्डन से बाहर आ जाती है, पर कोई भी स्नेल उसे लेने नहीं जाता क्योंकि आज घास कटने वाली थी। पर टर्बो वो टमाटर को लेने जाता है और उसकी इमेजिनेशन अलग ही कार रेसिंग पे चल रही थी। वो रेस करने लगता है उस घास काटने वाली मशीन के साथ, पर जब वो मशीन उसके करीब आ जाती है तो उसकी इमेजिनेशन तेल लेने जाती है, पर टर्बो का भाई उसे बचा लेता है पानी की हेल्प से। अब टर्बो बहुत दुखी हो जाता है और गार्डन से निकलकर हाईवे के बीच आ जाता है। तभी वहाँ एक बड़ी सी ट्रक आती है और टर्बो को उड़ा देती है। टर्बो उड़ते उड़ते एक कार पे आ गिरता है, और तभी उसे पता लगता है यहाँ दो कारों के बीच रेस होने वाली है। पहले टर्बो डर जाता है, फिर वो रेसिंग के मजे लेता है, और अचानक कार की स्पीड तेज होती है और टर्बो कार के अंदर चला जाता है, जिस कारण उसके अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड चली जाती है और उसकी पूरी बॉडी में फैल जाती है। वो कार से बाहर रोड पे आ गिरता है और बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है उसे कुछ कॉकरोच अपने साथ ले जा रहे हैं। वो उठ के उन्हें भगा देता है, लेकिन अब सुबह हो गई थी, ऊपर कौवे घूम रहे थे। वो जैसे तैसे छुपते छुपाते अपने घर तक पहुंचता है। अब वो खुद को मिरर में चेक करता है, तभी उसकी हेडलाइट जल जाती है, आंखों से रोशनी निकलती है और एक कार की तरह उसके पीछे से साइरन बजने लगता है। उसे समझ नहीं आता हो क्या रहा है। यहाँ स्नेल की मीटिंग चल रही होती है, वहाँ टर्बो आता है। अचानक वो रेडियो की तरह बजने लगता है और गाने लगता है, सब उसे घूरने लगते हैं, इसलिए वो उन सब से दूर हट जाता है। तभी वहाँ वो गाड़ी वाला बच्चा आ जाता है और सीधा टर्बो की ओर जाता है, पर हम देख पाते हैं टर्बो अब नॉर्मल स्नेल नहीं था, उसकी स्पीड काफी तेज हो गई थी। वो बच्चा उसके पीछे पड़ जाता है, इसलिए टर्बो उस बच्चे की वाट लगा देता है और डरा के भगा देता है और अपने टमाटर के गार्डन की भी धज्जियां उड़ा देता है। ये सब देख के स्नेल के लीडर टर्बो के भाई को ये जगह छोड़ने को बोलते हैं। टर्बो माफी मांगने लगता है अपने भाई से, तभी वो गुस्सा होने लगता है टर्बो पे। तभी अचानक एक कौवा टर्बो के भाई को उठा के ले जाता है और टर्बो उस कौवे का पीछा करने लगता है। यहाँ कौवे उसे खाने ही वाले होते हैं कि टर्बो बीच में आ जाता है और उस कौवे के पेट में चला जाता है, पर वहाँ भी उसकी स्पीड कम नहीं होती, वो कौवे के पेट से निकल आता है। ये सब देख के वो कौवे भाग जाते हैं। टर्बो के भाई को यकीन नहीं होता कि वो जिंदा है। तभी वहाँ एक लड़का आ जाता है जिसका नाम टीटो था। वो उन दोनों स्नेल को पकड़ लेता है और एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ और भी लोग थे। वहाँ रेसिंग ट्रैक लगी थी और वो लोग स्नेल का रेस करवाने वाले थे। रेस स्टार्ट होती है, टर्बो और उसका भाई आगे नहीं जाते तो टीटो दुखी हो जाता है। उस लड़के को दुखी देख टर्बो रेस स्टार्ट करता है और रेस ट्रैक तोड़ के पूरा मोहल्ला घूमकर आ जाता है।
ये देख वो लड़का और बाकी सब हैरान हो जाते हैं। यहाँ बाकी स्नेल भी हैरान थे और वो सब टर्बो का नाम पूछते हैं। तभी टर्बो का भाई बोलता है, टेंशन मत लो मेरे भाई, मैं तुम्हें दिखाऊंगा क्या हो रहा है तुम्हें। और टीटो टर्बो को उठा के उसकी बहुत तारीफ करता है। और तभी टीटो का भाई एंजेलो वहाँ आ जाता है। ये दोनों भाई थे और ये दोनों पे टाकोस की शॉप थी जहाँ बहुत कम लोग आते थे। एंजेलो बड़ा भाई होने के कारण अपने काम पे ध्यान देता था, पर छोटा भाई जिसे स्नेल का रेस करवाना ज्यादा पसंद था, इस वजह से एंजेलो टीटो पे गुस्सा करता है। टीटो उसे स्नेल के बारे में बताता है, पर एंजेलो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता और बोलता है ये सब छोड़ो और टाकोस बेचने के काम पे ध्यान दो। उसे डांट के निकल जाता है। टीटो टर्बो का बहुत ध्यान रखता है और गुड नाइट बोल के चला जाता है। तभी वहाँ बाकी स्नेल आ जाते हैं जिनके साथ टर्बो की रेस हो रही थी। वो स्नेल के लीडर का नाम था फ्लैश। टर्बो और फ्लैश में बहस हो जाती है और रेस करने का कंपटीशन करते हैं वो लोग। उन्हें स्टारलाइट प्लाजा तक पहुँचना था, जो वहाँ तक पहुँचेगा वो विनर होगा। फ्लैश के टीम वाले काफी अच्छा कर रहे थे और वो सब ऊपर वायर की हेल्प से वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, पर टर्बो नीचे था, वो भी वायर पे आ जाता है और उनसे काफी आगे तक चला जाता है, पर वो और आगे नहीं जा पाता और बाकी स्नेल पहुंच जाते हैं और फ्लैश विनर बन जाता है। अब हमें टीटो के फ्रेंड्स दिखाई जाते हैं जो स्नेल का रेस देखने आते थे। वो सब दुखी थे क्योंकि उनके पास कोई सामान लेने नहीं आता था। सबकी लाइफ बस ऐसे ही कट रही थी। सेम चीज एंजेलो और टीटो के साथ था। उनकी शॉप पे कोई नहीं आता। यहाँ टर्बो का भाई उसे उल्टा सीधा सुनाता है और ये सब करने को मना करता है। तभी वहाँ टीटो आता है और टर्बो को उठा के बोलता है, हमें तुम्हारा टैलेंट दुनिया को दिखाना होगा। तभी वहाँ एक ट्रक आती है जहाँ वो कार रेसर की फोटो बनी थी और वहीं इंडी 500 रेस लिखा था। टर्बो जाता है और उसे बताता है उसे क्या करना है। अब टीटो अपने भाई से बात करने जाता है, पर उसका भाई बोलता है स्नेल कारों के रेस में कभी नहीं जा सकता। यहाँ सेम चीज टर्बो का भाई भी बोलता है। टीटो एंजेलो से $20,000 मांगता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, पर उसका भाई मना कर देता है। यहाँ स्नेल कस्टमर को लाने का तरीका सोचते हैं और एक बस की धज्जिया उड़ा के वो लोग ले आते हैं और बस में बैठे सब लोग टीटो का बोर्ड देखते हैं जहाँ लिखा था सबसे तेज भागने वाला स्नेल। टीटो का भाई कस्टमर के लिए टैकोस बनाता है। उनके शॉप में लाइन लग जाती है। सब स्नेल का रेस देखते हैं और टीटो की फ्रेंड बस ठीक कर देती है और सब खुश होकर निकल जाते हैं। पर टीटो का भाई अभी भी रेडी नहीं था स्नेल के लिए पैसे देने को। टीटो के फ्रेंड कस्टमर को देख खुश हो गए थे, इसलिए उन्होंने ट्रस्ट करके पैसे दे दिए। टीटो खुश हो गया और उसने अपने भाई के पैसे भी चुरा लिए। उसका भाई देख के गुस्सा हो जाता है। अब वो लोग गाड़ी में थे। टीटो की फ्रेंड उन स्नेल के लिए उनके कवच को कार का लुक देती है, जिससे सारे स्नेल अट्रैक्टिव लगते हैं। यहाँ टीटो पे उसके भाई का कॉल पे कॉल आ रहा था, पर वो नहीं उठाता। सारे स्नेल खुश थे एक को छोड़ के। टर्बो अपने भाई को सैड देख के उसके पास जाता है। अब वो लोग पहुंच जाते हैं और सीधा कार रेस ट्रैक पे जाते हैं, जहां गिगान ये अकेला कार चला रहा था और उसकी स्पीड थी 230 की। टीटो रजिस्ट्रेशन करवाने जाता है और वो पूछते हैं, तुम्हारा रेसर किस टीम के लिए रेस करता है। टीटो अपने शॉप का नाम लेता है, जिस कारण उसे निकाल दिया जाता है वहाँ से। यहाँ सब गिगानिये के आसपास कैमरा लेके घूम रहे थे। तभी टर्बो टीटो को गिगानिये तक ले जाता है और अपना प्लान बताता है। तभी टीटो टर्बो को उठा के बोलता है, ये है हमारा नया सितारा। सब उन पे हंसते हैं और रोकने जाते हैं टीटो को, पर टर्बो के फ्रेंड उन लोगों पे कूद जाते हैं। मौका देख के टीटो उसे रेसिंग ट्रैक पे छोड़ देता है और टर्बो बहुत तेज भागता है। उसकी और सारे कैमरे घूम जाते हैं। सब हैरान हो जाते हैं टर्बो को देखकर और एक बच्चा उसकी वीडियो भी बना लेता है। टर्बो 228 के स्पीड से भाग रहा था और ये रेस में हिस्सा लेने के लिए काफी था। सारे लोग गिगानियों को छोड़ के टर्बो के पास आ जाते हैं और जिस बच्चे ने टर्बो की वीडियो बनाई थी वो उसे अपलोड कर देता है, जिससे ये बात हर जगह फैलती जाती है। अब टर्बो पे एक गाना बन गया था, वो न्यूज़पेपर पे भी आ गया था और ये न्यूज गार्डन में रहने वाले स्नेल भी देख लेते हैं, जिन्होंने टर्बो को निकाल दिया था। ये चीज इंडिकार के CEO भी देख लेते हैं और वो स्नेल को रेस में हिस्सा लेने के लिए मना कर
करते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे स्नेल कार के नीचे आ जाए। पर फेमस कार रेसर गिगानिये टर्बो की साइड लेता है और हिस्सा लेने की मांग करता है, तो वो सीईओ मान जाते हैं। टर्बो और बाकी सब खुश हो जाते हैं, पर टर्बो का भाई सैड हो जाता है। सब पार्टी करते हैं। अब रात हो जाती है। टर्बो का भाई बोलता है, पिछली बार मैंने तुम्हें बचा लिया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा और मैं तुम्हारी रेस देखने नहीं आऊंगा। टर्बो बोलता है, सब मुझ पे भरोसा करते हैं पर आपको ही भरोसा नहीं है। ये बोल के वो चला जाता है। यहाँ टर्बो गिगानिये का कार देखता है और उसकी ट्रॉफी देखता है। तभी वहाँ गिगानिये आ जाता है और टर्बो को गिगानिये का असली रूप दिखता है, जिसका वो इतना बड़ा फैन था। दरअसल गिगानिये एक स्नेल से जीत के और फेमस होना चाहता था, क्योंकि स्नेल को देखने दूर दूर से लोग आने वाले थे। अब सुबह हो गई थी, पूरा रेस ट्रैक लोगों से भरा हुआ था। टीटो टर्बो को समझाता है और सब निकल जाते हैं, बस एक को छोड़ के, मतलब टर्बो का भाई नहीं जाता। पर उसे एक बच्चा पकड़ लेता है और वीआईपी सीट पे रख देता है, जहां बिल्कुल सामने स्क्रीन पे टर्बो दिख रहा था। वो लड़का उस पे ग्लास डाल देता है ताकि वो कहीं जाए नहीं। वो देखना नहीं चाहता था अपने भाई को ऐसे, पर उसे देखना पड़ता है। अब रेस स्टार्ट होने वाली थी, टर्बो के दोस्त चले जाते हैं। टीटो भी ऑल द बेस्ट बोल के चला जाता है। अब रेस स्टार्ट हो जाती है। टर्बो का भाई डर जाता है। आधे रास्ते आते आते टर्बो को अजीब सा लगने लगता है, लेकिन हरी झंडी देख के उसमें जोश आ जाता है। पर वो काफी बार टायर के नीचे आते आते बसता है। सारे लोगों की उम्मीद खत्म हो रही थी टर्बो को देख के। सारे रेसर रुकते हैं। टर्बो का मैनेजमेंट उसके दोस्त करते हैं, क्रीम वगैरह लगा देते हैं और उससे बोलते हैं, क्या तुम कार हो? नहीं ना, तुम एक स्नेल हो, स्नेल की तरह रेस करो। अब टर्बो पूरे जोश में रेस करता है, बिल्कुल स्नेल की तरह, और दो गाड़ियों को ओवरटेक कर देता है। ये देख अब टर्बो का भाई भी खुश हो जाता है। टर्बो की तरफ एक टायर खुल के आता है, वो उसके अंदर से निकल आता है। टर्बो सेकंड नंबर पे था। अब एक अनाउंसमेंट की जाती है, ट्रैक पे कुछ नुकीले टुकड़े गिरे हैं, तो संभाल के रेस करना। उस नुकीले टुकड़ों के कारण टर्बो का कवच टूट जाता है। टीटो ये देख सैड हो जाता है। तभी टर्बो को गाड़ी टमाटर जैसी दिखती है। वो हार नहीं मानता और दोबारा रेस स्टार्ट करता है। वो गिगानिये के कार तक चला जाता है, पर बार बार उसकी स्पीड वाली पावर जा रही थी। वो दोबारा गिगानिये के कार तक जाता है, लेकिन गिगानिये उसे कार से दबा देता है। सबको लगता है वो टर्बो को मार दिया, पर टर्बो तो अलग ही अपने स्वैग में था। वो टायर के अंदर था और गाड़ी के ऊपर से वो छलांग मारता है। गिगानिये दिखता रह जाता है। ये आखिरी राउंड था। टर्बो आगे निकल जाता है। गिगानिये से ये बर्दाश्त नहीं होता और वो टर्बो से आगे जाने के लिए उन नुकीले टुकड़ों पे कार चला देता है, जिससे उसकी कार पलट जाती है, जिस कारण टर्बो भी उड़ जाता है उसकी कार से लगकर, और गिगानिये उसका कवच निकाल देता है। गिगानिये की वजह से सारे कार की वाट लग जाती है। टर्बो के सारे दोस्त दुखी हो जाते हैं। टर्बो जीतने के बहुत करीब था, पर वो अपना टूटा कवच देख के हार मान जाता है। टीटो भी दुखी हो जाता है। टर्बो का भाई मना करता है हार मानने से और वो खुद टर्बो के पास आ जाता है। वो ग्लास तोड़ के एक गुब्बारे पे झूल के एक कौवे पे बैठ के आ जाता है। टर्बो का भाई उसे मोटिवेट करता है और बोलता है, हार ना मानना ही तो तेरी खूबी है मेरे भाई। टर्बो दोबारा अपना रेस स्टार्ट करता है और सब लोग खुश हो जाते हैं। यहाँ गिगानिये के आग लग रही थी। वो भी अपनी टूटी कार लेके आगे जाता है, पर वो और आगे नहीं जा पाता और टर्बो को पैर से दबाने की कोशिश करता है, पर टर्बो गुलाटी मार के उस लाइन तक पहुंच ही जाता है और वो रेस जीत जाता है। सब खुश हो जाते हैं। टर्बो अपने भाई को खोजता है और बोलता है, मैं जीत गया। यहाँ टीटो अपने भाई को बोलता है, एंजेलो टीवी पे देख लेता है और वो सब कोटा को फ्री में देने की बात करता है, जहाँ टर्बो पहले रहता था। वो सारे स्नेल उस बच्चे के विंडो पे आकर टर्बो को देखते हैं और वो सब भी खुश थे। अब टर्बो को ट्रॉफी मिलती है और सब अपनी जगह आ जाते हैं। यहाँ टीटो अपने भाई को एक रोबोटिक स्टॉप देता है। टीटो के सारे फ्रेंड्स की शॉप अब मस्त चल रही थी।
वहाँ बहुत भीड़ थी। तभी टीटो आता है और टर्बो को एक गिफ्ट देता है और टर्बो को जहाँ लगी थी वहाँ से वो पट्टी हटाता है और वो देखता है कि टर्बो अब ठीक हो गया था। सबको लगता है टर्बो की शक्ति खत्म हो गई है। टीटो वहाँ एक बड़ा सा रेस ट्रैक लगाता है। अब सारे स्नेल रेडी हो जाते हैं रेस के लिए। तभी टर्बो की पावर आ जाती है और यहाँ मूवी खत्म हो जाती है। Hey everyone, thanks for watching. अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे।